बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति प्रखंड इकाई मनेर के बैनर तले मनेर हाई स्कूल से चलकर नियोजित शिक्षकों ने राजद के स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र का घेराव किया। नियोजित शिक्षकों ने राजद विधायक भाई को 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे नियोजित शिक्षकों को पुराने नियमित शिक्षकों की भांति वेतनमान, सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा देना, मृत शिक्षकों के आश्रितों को नियम में शिथिलता करते हुए शिक्षक पद पर नियुक्ति करना, पुराने पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को देना, सामान्य भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा का लाभ सभी शिक्षकों को देना, शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 करना, सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक का पद सृजित करते हुए अविलंब उस पद पर पद स्थापन करना, टीटी शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करना, शिक्षकों पर किए गए दंडात्मक कार्यवाही को वापस लेना है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होता उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आपको बताते चले, कई महीनों से नियोजित शिक्षक बिहार सरकार का ध्यान उनकी मांगों को लेकर आकृष्ट करा रहे हैं, बावजूद इसके बिहार के शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको अपने टाइम का वैल्यू होना चाहिए, और जब तक टाइम का वैल्यू आपके पास नहीं होगा तो आप संघर्ष को आगे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए टाइम का निश्चित रूप से ये होना, समय समय जो कहिए वो कीजिए। हमारे पास ये जिन्होंने कहा था कि आएंगे हम लोग 10 से 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, हम कहा कि ठीक है आइए। जब से हम अपनी 7 सूत्री मांगों को सदन में पहुंचाने की बात इसमें कही गई है, लेकिन हमारे विधायक जी तो लगातार हम सबों की लड़ाई जैसे अपनी लड़ाई बनाकर लड़ रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हम सबों को ये 2 शब्दों से संबोधित भी करें और हमारे ऊर्जा को ऊर्जान्वित करें, हौसला अफजाई करें। जो शिक्षक हित की बात करेगा, हिटलर साहि नहीं चलेगी। लोगों ने विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाने का काम किया है, और उनकी जो जायज मांगे उसको सरकार पर हम लोगों ने दबाव दिया है कि उनकी मांगों को मान ली जाए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको रेगुलर किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि यहाँ कहाँ का रूल है कि एक तरफ एक ही विद्यालय में एक तरफ सरकारी जो कर्मी है यानी शिक्षक है उनको 1 लाख रुपया मिलता है, 1 लाख से ज़्यादा भी मिलता है, और दूसरी तरफ नियोजित जो शिक्षक हैं उनको 20,000 से 22,000 वेतन मिलता है, पढ़ाना उतना ही है जितना उन लोगों को पढ़ाना है। देखिए, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पे बिहार के तमाम विधायकों को आवास पे आज धरना देना और उनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसके लेकर के बेहटा मनेर प्रखंड के तमाम नियोजित शिक्षक अपने समूह में आकर के अपना ज्ञापन माननीय विधायक श्री भाई वीरेंद्र को सौंपा है और उनसे मांग किया है कि हमारी बात को सदन में आप पहले भी उठाते रहे हैं और पुरजोर तरीके से उठाइए और सरकार पर दबाव बनाइए। हमारी जो मांग है वो आर्थिक लड़ाई नहीं है, हमारी मांग राज्यकर्मी का दर्जा है, हमें सहायक शिक्षक का दर्जा देने को मांग को लेकर के है, और सरकार पे दबाव बना करके हमारी मांग को पूरी करवाने में आप सहयोग प्रदान कीजिए। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ आप सरकार तक।